गुड मॉर्निंग क्लास यूके जी हमारा रिवीजन चल रहा है और ये इंग्लिश के पीरियड में हम रिवीजन अपना स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इस तरह से ऊपर हेडिंग रहेगी डेट मेंशन होंगी जिस डेट में आप वर्क कर रहे हैं अब यहाँ ये क्वेश्चन है अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ए यहाँ है बी C, D, फोर questions हैं यहां पे और फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर ए what इज दिस ये बेल है और आंसर में हम यहां लिखेंगे दिस इज आ बेल B E डबल एल बेल पास है इसलिए हम नजदीक की चीज को दिस यूज करेंगे और अगर कोई चीज दूर है तो वहां दैट यूज होगा क्वेश्चन नंबर बी है वॉट इज दैट क्वेश्चन मार्क आंसर है आंसर में दैट का यूज होगा क्योंकि चीज दूर है दैट इज

बी ए डबल एल फुल स्टॉप अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी वॉट इज दैट काइट बनी हुई है हम यहां लिखेंगे दैट इज अइट फुल स्टॉप अब ये फोर क्वेश्चन हैं आंसर है एक बार हम फिर से रीड कर दे रहे हैं हेडिंग होगी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डेट मैंशन होगी जिस डेट में आप वर्क कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए वॉट इज दिस दिस इज अ बेल वॉट इज दैट दैट इज अ फिश वॉट इज दिस दिस इज अ बॉल व्हाट इज दैट दैट इज काइट क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड पेज में नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर टू स्पेलिंग यहां लिखेंगे डब्ल्यू आर आई टी ई राइट अपोजिट वर्ड टू डॉट्स लगाएंगे इस तरह से डैश डेट मेंशन करेंगे जिस डेट में आप वर्क कर रहे हैं नंबर वन अब यहां हमको ये वर्ड्स हैं अपोजिट लिखना है हमको ये वर्ड है बिग बेग का अपोजिट होगा बेक का स्मॉल एस एम ए डबल एल स्मॉल नंबर टू टॉल टॉल का शॉर्ट एस एच ओ आर टी शॉर्ट फैट फैट का अपोजिट थिन टी एच आई एन थे लॉन्ग नंबर फोर लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट एस एच ओ आर टी शॉर्ट टू क्वेश्चन है हेडिंग डाल लेंगे क्वेश्चन डालेंगे डेट मैंशन करेंगे और वर्क कंप्लीट करेंगे बाय बच्चों